शहर और इससे लगे ग्रामीण इलाकों में आधा दर्जन गांवों में बीते एक सप्ताह से विचित्र बुखार का कहर बरप रहा है। इसकी चपेट में आकर अब तक 5 से 6 दिनों में 6 लोग दम तोड़ चुके हैं और अभी भी कई लोग प्रभावित हैं। वहीं सीएमओ के निर्देश पर मेडिकल टीम अब गांवों में कैंप लगाकर दवाएं बांटने की तैयारी में है, जबकि अन्य गाँवों में बीमारी फैलने से अभी अधिकारी अनभिज्ञ हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधनू, सरसौल, महाराजपुर, मंझवन और कठारा में बुखार के मरीजों का इलाज चल रहा है। जो मरीज सीरियस हैं उन्हें हैलट के फ्लू ओपीडी में रिफर किया जा रहा है, जहां सीधे उन्हें भर्ती किया जा रहा है। आपको बता दें कि विधनू, सरसौल, बिदकी, कठारा जैसे गांवों में 4 मौतें हुई हैं, जबकि महाराजपुर निवासी जवाहरलाल पासवान को 5 से 6 दिन से बुखार आ रहा था। उसके परिवार वालों ने उसे शुक्रवार रात अस्पताल में भर्ती कराया था। शनिवार सुबह डॉक्टरों ने दवा देकर घर भेज दिया, जहां 7 बजे उसकी मौत हो गई। ऐसा ही अन्य गांवों का हाल है। तो वहीं GSBM मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर SK गौतम ने जब मरीजों की मौत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक मरीज हमारे पास आता है तब तक उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी होती है। जितने भी मरीज आ रहे हैं 2 से 3 दिन में ही प्लेटलेट्स काफ़ी कम होने लगती हैं, ऐसे में मल्टी ऑर्गन फेल होने का डर रहता है। वहीं निजी नर्सिंग होम में भर्ती ज़्यादातर मरीजों की मौत इसी वजह से हो रही है। आपको बता दें कि हैलट अस्पताल में आने वाले ज़्यादातर मरीज शहर के आसपास बने ग्रामीण इलाकों से हैं। इन सभी को CHC या निजी नर्सिंग होम से हैलट रिफर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।